नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 25 गज का बना बनाया घर दिखाने वाले हैं, और घर भी कैसा, जिसमें आप पहले दिन से आकर रह सकते हैं। और बजट तो ऐसा है कि आप देखेंगे, घर को देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ जी ठीक है, इतने बजट में तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल लेते हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ भाग्य विहार बस स्टैंड पे। आप देख सकते हैं ये मेन रोड है, मुंडका कराला मेन रोड है। मेरे इस तरफ जाएंगे यानी कि राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो आप कराला पहुंच जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे मुंडका मेट्रो पे। मुंडका मेट्रो यहाँ से मात्र और मात्र एग्जैक्टली 2 किलोमीटर है, और ये भाग्य विहार का बस स्टैंड है। आइए आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपर शेड तो ही बना हुआ है स्टैंड का, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखा है भाग्य विहार, और कौन कौन सी बसें आ रही हैं वो नंबर भी लिखे हुए हैं। तो भाग्य विहार का ये बस स्टैंड है। भाग्य विहार बस स्टैंड पर उतरकर आपको आना है यहाँ पर, देखिए आइए दिखा दो। ये देखिए भाग्य विहार बस स्टैंड से उतरिए और यहाँ से सीधा पहुँचिए अपने घर के पास। वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ से मात्र 150 मीटर अंदर आपका जो है कि 25 गज का बना बनाया घर है। तो हम आपको जो है कि घर पे चल के वहाँ से आकर भी दिखाएंगे कि कितनी डिस्टेंस है। कुल मिला जुला के 150 से 200 मीटर अंदर है, और ये रोड सीधा जा रहा है हमारे प्लॉट के सामने जो है कि सीधा ये रोड जाएगा। तो दोस्तों बात करेंगे अब सुविधाओं की। तो सुविधाओं के नाम पे यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ मिलता है आपको। सड़क मिल जाएगी, दिल्ली जल बोर्ड का पानी मिल जाएगा, अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा माहौल है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। और भाई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था आप देख ही सकते हैं, लगातार बसें आ रही हैं जा रही हैं, चाहे वो DTC की ऑरेंज लाइन हो, चाहे ग्रीन लाइन हो, चाहे जो है कि आपकी ये रेड लाइन हो। देखिए सामने अगर आप दूर थोड़ा सा देखोगे तो मदनपुर डबास बस स्टैंड है। तो 100 मीटर पर मदनपुर डबास बस स्टैंड है, भाग्य विहार का बस स्टैंड ये रहा, और 200 मीटर पर 100 मीटर पर जो है कि आपका वो है रानीखेड़ा पियाव का स्टैंड है। तो हर तरह की सुविधा है ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, कनेक्टिविटी के लिहाज से 100% एक्सेसिबल है। तो आपको चलिए तो हो गई सारी सुविधाओं की, भाई एक बार जो है प्लॉट देख लेते हैं। और तो दोस्तों ये हम आ गए हैं देखिए प्लॉट के सामने, ठीक है। ये प्लॉट है 25 गज का, इसका डायमेंशन क्या है, 10 फुट का फ्रंट है, और आप देख लो चादर डली हुई है, पीछे एक रूम बना हुआ है, ठीक है। 10 फुट का फ्रंट, 22.5 फुट की गहराई। आइए चलते हैं अंदर, मीटर देखिए लगा हुआ है, आइए अंदर चलते हैं। ये रोड से थोड़ा सा नीचे हो रहा है, ठीक है ना, पहले आपको दिखा देता हूँ कितना नीचे हो रहा है ताकि आप आए तो ये देखिए 1 फुट के आसपास नीचे है, ये थोड़ा हमने ज़्यादा उठा दिया है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से, देखिए मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, दरवाजे से यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है लेटरिन, ओके, ये है बाथरूम, और यहाँ से आप देखिए इसको थोड़ा ऊँचा करवा दिया गया है ताकि आराम से जो है कि आप जा सकें। तो लेटरिन बाथरूम, और ये किचन है देखिए जी, यहाँ पे अभी क्या ना इसको रिनोवेट करवाया है, और ये जो देखिए ये किचन है आपका, ऊपर जगह दी गई रखने के लिए सामान, नीचे इस पर आप चूल्हा रख के, और नीचे आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं खाना वाना बनाने के लिए, ठीक है। इधर से देखते हैं सामने से, सामान पड़ा हुआ है, अभी खाली करवाया था सामान, दोबारा इसमें अभी जो है कि ये सब जो है कि सामान चला जाएगा अभी, तो आपको खाली मिलेगा, फिर आपको पूरा स्पेस दिखाई देगा। ये है तो ये आपका यहाँ से जो है कि हमने देख लिया लेटरिन बाथरूम, ये हो गया किचन एरिया, और ये बीच में आपकी जगह बच रही है, और इसके बाद रूम। देखिए घर ना खुलता नहीं है, हमेशा बंद रहता है, इसलिए थोड़ी सी सीलन दिख रही है, जैसे ही खुलेगा और ये धूप जब इसमें आनी शुरू होगी तो अपने आप जो है कि ये जो सीलन आ रखी है, पेंट करवा के क्या हुआ कि हमने खोला नहीं इसको, पेंट करवा के तुरंत बंद करवा दिया, तो इसलिए थोड़ा वैसा लग रहा है। अब आइए अंदर चलते हैं, रूम भी ठीक है। देखिए हम आ गए रूम के अंदर, रूम के अंदर बेड ऑलरेडी लगा हुआ, ये वाला ये सब सामान ना सर हट जाएगा जब जो है कि जो भी व्यक्ति लेंगे इसको, तो ये सामान हटा दिया जाएगा, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे जो है कि खिड़की होगी आपकी, और इधर से जो है कि बाहर देख सकते हैं आप, ठीक है। ऊपर रेक भी दिया गया है सामान वान रखने के लिए, आप सामान भी रख सकते हैं, ओके। और इधर जो है कि पूरी फिनिशिंग कर दी गई है, अब देखिए हर तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, बस आना है और रहना है। लैंटर नहीं है, गाटर पटिया है,
ठीक है, गाटर पटिया से बना हुआ है और अभी फ़िलहाल में रेनोवेशन कराया गया है, थोड़ी जो टूट फूट थी उसको सही किया गया है। ओके, तो रूम भी ठीक ठाक है, स्पेसियस है, देख सकते हैं आप। प्रिय मित्रों, अगर आप इस प्लॉट को परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉल लेने का समय प्रातःकाल 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। कोशिश करें कि आप इसी समय अंतराल में कॉल करें। फिर भी अगर आप इस समय अंतराल पर कॉल ना कर पाएँ तो आप 5 बजे के बाद भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस घर की कीमत मात्र 6.5 लाख रुपये रखी गई है। अगर आपको यह घर लेना हो तो आप 6.5 लाख रुपए दिमाग में रख कर आएँ, क्योंकि इसमें 1 रुपये की भी बार्गेनिंग नहीं होगी, यानी 1 रुपये भी कम नहीं किया जाएगा। ये फिक्स प्राइस है, क्योंकि आपने डिमांड की थी कि सस्ता घर ले कर आए जहाँ पर हम रह सकें, तो इसलिए मैं सारे प्राइसेस को काट पीट कर सब कुछ हटा के आपको 6.5 लाख में घर दे देंगे। और दूसरी बात, इसमें कोई कमीशन नहीं देनी है आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय,